नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज आप लोग दोस्तों जई कॉरपोरेशन लिमिटेड शेयर के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। दोस्तों ये शेयर दोस्तों अभी फिलहाल 368 रुपीज़ में कंपनी ट्रेड करे। इस कंपनी में दोस्तों अभी फिलहाल 1.43% का प्रॉफिट लास्ट ट्रेडिंग सेशन पर कंपनी बना के दिया है। लास्ट 5 डेज़ में देखिए तो भी 7% रिटर्न था दोस्तों। लास्ट 1 मंथ में 4% रिटर्न था, लास्ट 6 मंथ में 23% रिटर्न था, लास्ट 1 ईयर में 11% रिटर्न था, लास्ट 5 ईयर्स में 343% का प्रॉफिट कंपनी जनरेट करके दिया है। 1,999 में कंपनी मार्केट में लिस्ट हुआ है 1.30 रुपीज़ में, ठीक है। वहाँ से लेकर अब तक इस समय 28,261% का प्रॉफिट कंपनी जनरेट करके दिया है। 2007 में कंपनी मार्केट में लिस्ट हुआ था 1,999 में कंपनी मार्केट में लिस्ट हुआ था 1.30 रुपीज़ में, ठीक है। इस कंपनी 2007 में दोस्तों 1,065 रुपीज़, 1,100 रुपीज़ से भी ज़्यादा ऊपर इस कंपनी जा चुका था, ठीक है। वहाँ से गिरावट लगातार गिरावट हो गई थी। 2013 तक इस कंपनी 45 रुपीज़ तक भी इस कंपनी गिरावट हो चुकी है। वहाँ से भी फिलहाल दोस्तों 368 रुपीज़ में कंपनी ट्रेड कर रहे हैं। आने वाले टाइम इस कंपनी के प्रॉफिट बहुत ज़्यादा ऊँचा, बहुत बड़ा प्रॉफिट भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। फंडामेंटली तो अच्छी स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के नज़र से इसका वैसा कंपनी पर निवेश कर सकते हैं दोस्तों। लॉन्ग टर्म का नज़र से इस कंपनी का प्रॉफिट देखिए तो दोस्तों मार्च 2023 में 5 करोड़ का प्रॉफिट था, बट वहाँ से बढ़कर अभी मार्च 2024 में 72 करोड़ तक इस कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज़ हो चुका है। इस कंपनी का प्रॉफिट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुके हैं दोस्तों। आने वाले टाइम इस कंपनी का प्रॉफिट भी तेज़ी भी यहाँ पर देखने मिल सकता है, ठीक है। आप लोग सोच कर निवेश कीजिए दोस्तों। हम तो वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियोस बनाता हूँ। इस कंपनी पर प्रोमोटर्स ने 73% निवेश किया है, FIS ने 1.68% निवेश किया है, DAS ने 1.64% किया है, पब्लिक लोग ने 22% किया है। नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर लोग दोस्तों 82,525 नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर लोग इस कंपनी पर निवेश किया है दोस्तों। फंडामेंटल अच्छी स्टॉक है, लॉन्ग टर्म की नज़र से आप लोग भी निवेश कर सकते हैं वैसे कंपनी पर, ठीक है। आप लोग सोच कर निवेश करो। वीडियो तो हम सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियोस बनाता हूँ, आप लोग सोच कर निवेश करना पड़ेगा। थैंक यू, धन्यवाद।